गया है. A message is a short writing slip in which someone gives information to the other person. मैसेज एक ऐसा नोटिस होता है, छोटा सा आप नोट देते हैं जिसमें हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं. ये जो इन्फॉर्मेशन होती है मोस्टली तो हम वर्बली ओरली दूसरे को पहुंचाते हैं, लेकिन बेटर ये होता है कि हम उसको राइटिंग में दें तो उसे हम एक्यूरेटली सब कुछ याद भी कर पाएंगे और बहुत अच्छे से कर भी कर पाएंगे. तो ये भी एक आर्ट है कि अगर आप उसको राइटिंग में मैसेज को करके करते हो. तो ये जो मैसेज है इसके लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखते हैं. जैसे कि हम नोटिस के लिए कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते हैं, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होता है कि मैसेज जो होता है वो ब्रीफ होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए. ये नहीं कि आपको उसमें पूरी कहानी कही अपने पास से कुछ होना. जो भी किसी ने मैसेज दिया होता है उसको एज इट इज हम कन्वे करते हैं. तो मैसेजेस कैसे होते हैं, कैसे दिए जाते हैं कि कई बार तो एक फोन पे मैसेज दे देता है, वहां पर कन्वर्सेशन होती है कि बात ही घर पर नहीं है जिसके लिए वो मैसेज था. या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई मिल जाता है वो किसी दूसरे आदमी के लिए मैसेज देता है. लेकिन आपके जो एग्जाम्पल टॉपिक से हमने जो लिखा है वो यही कहता है कि फोनिक कन्वर्सेशन होती है और उसका मैसेज जो होता है वो आपको करके ही करना. तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखने होते हैं कि सबसे पहले कि जैसे टॉपिक्स होते हैं और आपके ये पोस्टर्स वगैरह होते हैं उनकी तरह ये जो है ये बॉक्स के अंदर लिखा है. आप बॉक्स के अंदर लिखते हैं, सबसे ऊपर आप बड़ा बड़ा लिखते हैं मैसेज, उसको आप कैप्टन में लिखते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं. जब आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं तो सबसे पहले डेट लिखते हैं और जिस साइड पर वो आपकी कन्वर्सेशन हुई आपने बातचीत की थी वो और टाइम किस साइड पर हुआ था. सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मीन्स किसको एड्रेस करें वो मैसेज एक्चुअली किसके लिए, हाँ किसके लिए मैसेज दे रहे हो. फिर यहाँ पर आप जो सेंटर है इसके अंदर जो भी आपको मैसेज देना होता है वो देते हैं और लास्ट में नेम एंड सिग्नेचर जो है वो प्लेस करते हैं. इसका अपना क्योंकि आप मैसेज दे रहे हैं, कोई भी नोटिस होता है लेटर होता है सबसे लास्ट में आप अपना नाम देते हैं. तो ये जो होता है ये इसका फॉर्मेट होता है. तो ध्यान रखिए बात की मैसेज बिल्कुल शॉर्ट कंसाइज होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी अपने पास से नहीं लिखना है. आपको टाइम और प्लेस एक्जैक्टली देना है, एक्जैक्टली वही डिटेल्स देनी है जो आपको दी हुई होगी. आपको टेंस का ध्यान रखना है कि कब की बात है, वो पास्ट में बात कही है, फ्यूचर की गई है, कब की गई है, उसको ध्यान रखना है. मोस्टली अगर आपको डायरेक्शन आती है तो आपको आसानी रहेगी क्योंकि हम किसी और की बात को अपने शब्दों में कह रहे होते हैं. पर इस चीज का आपको मैसेज के अंदर ध्यान रखना. तो अभी मैं आपके सामने एक सैंपल कन्वर्सेशन ले रही हूँ जिसका हम मैसेज बनाकर देखेंगे. ये आप देखेंगे तो ये है सैंपल कन्वर्सेशन. इसमें दो लोगों के बीच में बातचीत है और उसको आप मैसेज की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो रवि है इसमें, रवि कहता है हेलो कैन आई टॉक टू राहुल. रवि का फोन आपका है, वो पूछता है कि क्या मैं राहुल से बात कर सकती हूँ.
इनको किसने कन्वर्ट कर दिया? यू ने।